हेलो गाइस, वेलकम टू द वीएस किचन। आज हम बनाने वाले हैं मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स एंड टूटी फ्रूटी चेरी केक एगलेस। तो आप अपने मन मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। यहाँ पर हमने मिक्स ड्राई फ्रूट लिए हैं, जो भी आपके घर पर अवेलेबल हैं आप उनको ले सकते हैं। तो अब चलिए हम मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स चेरी और टूटी फ्रूटी केक बनाना शुरू करते हैं। एक बॉल लेंगे, उसके ऊपर रखेंगे छन्नी और इसके अंदर हम डालेंगे 150 ग्राम मैदा, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इन तीनों चीजों को छान लेंगे। तो यहाँ पर हमारी तीनों चीज अच्छे से हमने छान ली हैं। तो अब हम इनको साइड पे कर देंगे और अपने जो वेट इंग्रेडिएंट है उनको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बॉल, इसके अंदर हम डालेंगे ये 1/2 कप बटर। आप बटर की जगह ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो मैं सारा बटर इसके अंदर डाल दूंगी बॉल के, 1/2 कप। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप शुगर पाउडर, 2 चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में हम इन दोनों चीजों को लेकर आएंगे जब तक हम इसको बीट करेंगे। ये देखिए, यहां पर हमने बटर और शुगर पाउडर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क हमने लिया है 1/4 कप। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारा जो हमने मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को छान के रखा था, उसको हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ सारा नहीं डालेंगे और इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे कट एंड फोल्ड मेथड से। डायरेक्ट नहीं घुमाना है गोल गोल, कट एंड फोल्ड मेथड से हमें इसको मिक्स करना है। फिर थोड़ा डालेंगे और मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बार जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट थे वो उन्हें डाल चुकी हूँ मैं। अब ये थोड़ा बैटर जो है वो टाइट हो गया, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क और इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून दूध डालकर बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी बीच हमने अपना ओवन भी प्रीहीट होने के लिए रख दिया था 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए। तो अब हम अपना बचा हुआ ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसके अंदर जो बच गया था और इसको डालकर मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कट एंड फोल्ड मेथड से। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून दूध और डालेंगे जिससे इसका जो बैटर है वो हमारा अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाए। इसी के साथ साथ हम 1 टीस्पून पाइनएप्पल एसेंस डाल देंगे। आप चाहे तो वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं पाइनएप्पल एसेंस का यूज कर रही हूँ 1 टीस्पून। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और बैटर को एक बढ़िया सी कंसिस्टेंसी में लेकर आएंगे जिससे हमारा जो केक है वो अच्छे से राइज हो और अच्छे से बेक हो। तो यहाँ पर हमारा बैटर जो है वो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे टूटी फ्रूटी चेरी और अपने मिक्स ड्राई फ्रूट्स।
थोड़े से बचा लेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए, इनको मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कि बैटर की कंसिस्टेंसी किस तरीके की है। तो यहाँ पर हमने अपना सारा बैटर तैयार कर लिया है, तो अब हम इसको बेक करेंगे। बेक करने के लिए यहाँ पर हमने लिया है केक मोल्ड। केक मोल्ड को हमने पहले ग्रीस किया ऑयल से, उसके बाद इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया, फिर उसको भी ऊपर से ग्रीस कर दिया है। आप चाहे तो बटर पेपर की जगह मैदा भी इसके ऊपर डस्ट कर सकते हैं। तो अब हम अपना सारा बैटर केक का इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें यहाँ पर हमने अपना सारा केक बैटर मोल्ड के अंदर डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे बची हुई चेरी और ड्राई फ्रूट्स जो हमने पहले से ही काट के रखे थे। अब हम इसको करेंगे टैप थोड़ा सा और इसको लेवल कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर 30-35 मिनट के लिए। अगर सबका ओवन अलग अलग होता है इसलिए आप 25 या 30 मिनट के बाद भी चेक कर सकते हैं, या अगर आपका केक बेक नहीं हुआ है तो आप 5 मिनट के लिए उसको और बेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बेक करेंगे 30 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा केक एग्जैक्ट 30 मिनट में बेक होकर रेडी हो चुका है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम इसको फैन के नीचे रख देंगे जिससे जल्दी से ठंडा हो जाए, फिर हम इसको डीमोल्ड करेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो केक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारे केक ने अपने आप ही साइड छोड़ दी है, तो इसका ये मतलब है कि आपका केक बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हुआ है। तो ये देखें यहाँ पर हमारा जो केक है वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। इसके ऊपर हम रखेंगे कूलिंग वायर रैक, आप चाहे तो प्लेट भी रख सकते हैं, और इसको उल्टा कर देंगे। ये देखिए हमारा जो मोल्ड है वो कितना क्लीन निकला है। इसके ऊपर से हम ये जो बटर पेपर हमने लगाया था वो निकाल देंगे। सीधा कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारा केक कितना सॉफ्ट बना है, कितना स्पॉन्जी बना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा मिक्स ड्राई फ्रूट और टूटी फ्रूटी केक बनकर एकदम रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट केक बना है हमारा, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।